तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आया था पुराना किला, आप देख ही रहोगे। तो यहाँ पे काफ़ी मुझे 20 रुपये में काफ़ी सही देखने को यहाँ पे चीज़ मिल गई पूरा। यहाँ पे ओयो को आपको यहाँ पे मज़ा देखने को मिल जाएगा 20 रुपये में, एकदम टपाटप करने। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। सो आज मैं आया हूँ दिल्ली के पुराने किले में, जो कि आपका प्रगति मैदान की तरफ है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में बने रहना। तो वीडियो जब बहुत सही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों ये पुराने किले की पार्किंग है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको टिकट काउंटर के बगल में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना, अगर आप पूरी फैम मतलब कार के साथ आते हैं तो उसकी भी पार्किंग है। तो अगर आप बस के साथ, बस में पूरी फैमिली या बहुत सारे लोग आते हैं तो उसकी भी पार्किंग आपको मिल जाएगी, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पूरा। और टू व्हीलर की पार्किंग भी यहाँ पर फ्री होगी आपको, ये पुराने किले के साइड में ही आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर के पास। और यहीं पर ही आपको चिड़ियाघर है इसके ठीक नज़दीक में ही, तो वहाँ पे आपको पार्किंग पेड होगी, जिसका 30 से 50 रुपये के बीच में रेंट होगा, जो कि आप वहाँ पे पेड वाले भी देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसा भी होगा। क्योंकि ये पुराने किले का काउंटर है, टिकट काउंटर, यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगा 20 रुपये का पर पर्सन है। अगर आप यहाँ पे लेक और म्यूज़ियम घूमना चाहोगे तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर पर्सन। और सामने आपका यहाँ पे क्लॉक रूम होगा, यहाँ पे अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड वगैरह नहीं है। तो जित बैग, हेलमेट वगैरह आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। पर आइटम आपको 2 रुपये चार्ज है सुबह से लेके शाम तक, मतलब आप जितना भी टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो पूरा ओवरव्यू इसका ऐसा था। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हो, ये पुराने किले का एंट्रेंस है, और इसे बड़ा दरवाज़ा भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो होता था कि यहाँ से जो सामान वगैरह होता था, हाथी वाथी यहाँ से गुजरा करते थे उस टाइम में, तभी इसको हाथी दरवाज़ा भी बोला जाता है, और बड़े दरवाजे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बाकी आप देख सकते हो कि कैसा है ये देखने में। तो दोस्तों ये जो है, ये बड़े दरवाजे का बैक साइड का एरिया है फ्रंट, जो कि आप ये देख पा रहे होगे। तो अगर इसके बारे में बताऊं तो ये पूरा 20 मीटर लंबा है इनके अकॉर्डिंग, ASI के अकॉर्डिंग। तो बाकी ये जितने भी आप साइड में देख रहे हो, ये सारे रूम बने हुए थे जो अभी टूट गए हैं फिलहाल तो। और ये जो है बलुआ पत्थर वगैरह से बना हुआ है, जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है। तो अंदर घुसते ही आपको कुछ पहला व्यू तो ऐसा दिखेगा। तो आप ये जो देख रहे हो, ये बावली है। तो जैसे आप अंदर आओगे, थोड़ा अंदर चलने पे आपको बावली दिख जाएगी। तो ये पूरी 22 मीटर लंबी है नीचे तक, और इसका जो उस टाइम पानी पीने के लिए इस्तेमाल में किया जाता था इस पूरी बावली को, जो आप देख पा रहे हो ये। और ये घुसते ही आपको सीधा यहीं पे दिख जाएगी आपको, अपने लेफ्ट साइड में ही। तो पूरा इसका व्यू ऐसा कुछ होगा। तो फिलहाल के लिए तो इसको अभी बंद कर रखा है, पता नहीं शायद सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बाकी आप व्यू देखो। तो दोस्तों आप ये बाकी देख सकते हो कि यहाँ पे कितना रख रहा, कितना बढ़िया किया गया है अभी कुछ टाइम से। तो जब हम पहले आते थे यहाँ पे, आज से ठीक 5, 6, 7, 8, 10 साल पहले, उस टाइम इसका हालत बहुत बुरी थी, अभी फिलहाल काफ़ी बढ़िया कर रखा है। तो बाकी आप देख सकते हो इसका व्यू कैसा है। तो दोस्तों अभी जो देख रहे हो, ये जो खंडर टाइप का जो बन गया है, तो ये हुमायूं दरवाजे का ही एक हिस्सा था, जो पूरा टूटा फूटा हो गया है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये कुछ नीचे का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे हुमायूं दरवाजे का। तो ये जो सामने है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे ईंट लगा रखी है, वरना पहले यहाँ पे गेट हुआ करता था लकड़ी का, तो फॉर प्रोटेक्शन पर्पज यहाँ पे इन्होंने ये पूरी दीवार खड़ी कर दी। बाकी आप देख सकते हो व्यू कैसा है ये। भाइयों ये यहाँ पे ऊपर जाने का भी रास्ता था पहले, बट अभी यहाँ पे एक ताला लगा रखा है, पता नहीं किस लिए। तो बाकी आप देख सकते हो पूरा, कि यही है हुमायूं का गेट। तो फिलहाल वहाँ पे उस तरफ तो मजदूर वगैरह है, वहाँ पे कुछ है नहीं दिखाने लायक।
तो दोस्तों यहाँ पे अभी एग्जीबिशन चल रहा है, यानी कि वो चल रहा है, यहाँ पे खुदाई चल रही है। तो यहाँ पे अभी महाभारत काल के जो उस टाइम का जो सिटी थी इंद्रप्रस्थ, उस टाइम के कुछ उस टाइम पीरियड के कुछ यहाँ पे अवशेष पाए गए थे, तो उसी का कुछ यहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही है, बाकी देख सकते हो आप। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हो ये हमाम है, यानी कि नहाने वाने की जगह है ये। तो ये उस टाइम यूज़ हुआ करती थी। तो आप ये जो सामने देख रहे हो ये ड्रेनेज सिस्टम होगा शायद, जो आप ये देख पा रहे होगे, ये पूरी पाइप टाइप की कुछ बना रखी है, यहाँ से शायद पानी आना या जाना होता था, जो कि आप ये देख रहे हो। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो ये शेर मंडल है, इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और यहाँ पे हुमायूं की डेथ हो गई थी सीढ़ी से गिरने की वजह से। तो दोस्तों आप ये जो मस्जिद देख रहे हो ये 1547 में बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो बाकी आप ये देख सकते हो कि कैसा है ये, और ये आप सबसे आपको लास्ट में पड़ेगा ये मस्जिद आपको। बाकी आप इसका बाहर का व्यू देख सकते हो कि कैसा है। तो दोस्तों अगर आप आते हो अंदर तो आपको भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बाकी ये आर्किटेक्ट देख सकते हैं कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आया था पुराना किला, आप देख ही रहोगे। तो यहाँ पे काफी मुझे 20 रुपए में काफी सही देखने को यहाँ पे चीज मिल गई पूरा। यहाँ पे ओयो को आपको यहाँ पे मजा देखने को मिल जाएगा 20 रुपए में, एकदम टपाटप करते हुए है भाई शाहिद तो हमारे शाहिद बाबा भी खुश हो गए एकदम टपाटप देखते तो शाहिद भाई आपका क्या कहना है फिर इस चीज में हर जगह भरा पड़ा है, कोई भी झाड़ी बची नहीं है। सारी झाड़ी सारी झाड़ी फुल है 20 रुपए में। दोस्तों आप और वीडियो में देखना सारे हमारे। रूम जो पुराने किले के जो छोटे छोटे रूम है, सब में कोई ना कोई बंदा मिलेगा, लड़की लड़के, किसी हमने वीडियो तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन हमने उनका चेहरा नहीं दिखाया फॉर ऑब्वियस रीजंस, यार आपको पता ही होगा। की इमेज खराब ना हो। हाँ बट हाँ हमने देख लिया यार, यहाँ पे फैमिली भी आती है और बाकी हम जैसे छबड़े तो आते ही हैं। तो भाई लोग आप देख सकते हो, अगर आप लवर हो तो आप कोने कोने में भी लग सकते हो हर जगह। तो देखो कोई कहाँ लग रहा है, कोई कहाँ लग रहा है, कोई वहाँ लग रहा है सामने। तो आपको 20 रुपए में आपको फुल एंजॉयमेंट मिल जाएगी एकदम मस्त टकाटक। तो भाइयों ये जो है तलाकी दरवाजा है, बेसिकली इसका कुछ काम तो नहीं है, ऐसे ही बना रखा है, पैसे बहुत थे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होगे ये अभी कहाँ पे काम चल रहा है काफी, और इसको रेनोवेट किया जा रहा है सही तरीके से। तो शायद आपको इन फ्यूचर जब आप आओगे तो आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा ये पुराना किला। तो दोस्तों ये है वीडियो का एंड। तो आपको वीडियो जैसी भी लगी हो आप कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और कोई आपकी कमेंट कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में जाके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई पूरा कर दूंगा।